मॉलिक्यूल यानी कि अणु, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं तब अणु का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल के अणु का निर्माण करते हैं। अणु किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। किसी विशेष पदार्थ के अणु एक जैसे होते हैं, जैसे जल का है तो जल का प्रत्येक अणु एक जैसा होगा, लेकिन अलग अलग पदार्थ होगा तो उसके अणु अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यह कहना चाहेंगे कि अणु जो है मुक्त अवस्था में रह सकता है, जैसे हाइड्रोजन का अणु, ऑक्सीजन का अणु, और किसी पदार्थ का गुण उसके अणु पर निर्भर करता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाते हैं तो जल का गुण जल के अणु के कारण होता है। अणु दो प्रकार के होते हैं, तात्विक अणु यानी कि एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स, और एक होता है कंपाउंड मॉलिक्यूल्स यानी यौगिक के अणु। तो तात्विक अणु में हो जाएगा जैसे Cl2 क्लोरीन का अणु, हाइड्रोजन का अणु, H2 ऑक्सीजन का अणु। इसमें केवल एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणु पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, तात्विक अणु या एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स। जबकि जो कंपाउंड के अणु होंगे यानी यौगिक के अणु होंगे उसमें दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु होंगे, जैसे जल का अणु H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु CO2, ग्लूकोज का अणु C12 C6H12O6, चीनी के अणु C12H22O11 आदि। थैंक यू।